कांग्रेस पार्टी के समस्त वरिष्ठ जन, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, परिवार के आप सब उपस्थित, पिछले 20, 22 साल, 25 साल से कांग्रेस की मूल भावना को लेकर संघर्ष करते हुए परिवारजन, हमारी माताएं बहनें, हमारे आज मेरा मन थोड़ा कम था आने का, और मन दो कारण से कम था। मेरा शुरू से मन था कि मैं मुख्यमंत्री की शपथ विधि में आके कुछ कहूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, परंतु विधि का जो योग था उसमें हुआ। पर मेरे नेता और मेरे बड़े भाई, आज आपके प्रभारी राजू सातव जी का आदेश हुआ कल रात को कि आपको आना ही पड़ेगा, तो मैं लगातार 7 घंटे से ट्रेवल करके आप लोगों के बीच में आया हूं और आपको प्रणाम कर रहा हूं। साथियों, मैं अभी मंच पे देख रहा था और विचार कर रहा था यहाँ आके कि राहुल जी ने गुजरात को जो प्रतिनिधित्व देश की राजनीति में देना चालू किया है, वो चाहे जनरल सेक्रेटरी के रूप में हो, चाहे सेवा दल के प्रमुख के रूप में हो, चाहे हमारे अभी बिहार के इंचार्ज के रूप में हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के इंचार्ज तो है ही, पहले ही नियुक्त हो गए थे। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ताकत राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी की गुजरात में डालने की कोशिश की है। इस नाते लोकसभा में कम से कम हमारा हिस्सा इतना हो, हम सबका दायित्व भी है और जिम्मेवारी भी है। अब रही बात अमित चावड़ा जी की और हमारे परेश धनानी जी की, मैं समझता हूं कि हमारी उम्र के हैं, हमारे दोस्त भी हैं। मैं उनसे खुले मन से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जब जब नई पीढ़ी आती है तो अनुमान और अनुभव का थोड़ा संघर्ष होता है, और जो अनुमान होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, और अनुभव होता है उसकी सक्सेस की गारंटी होती है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने 25 साल से इस कांग्रेस को अपने खून से सींचा, उनके अनुभवों का जितना लाभ लेंगे हम, शायद उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। ये बात सही है कि जब नए लोग होते हैं, ऊर्जा ज्यादा होती है, काम करने की ताकत ज्यादा होती है, हिम्मत ज्यादा होती है, और आशाएं, अभिलाषाएं ज्यादा होती है, तो मैं समझता हूं कि उसका तो लाभ मिले ही, पर अनुभव को तरजीह देंगे तो मैं समझता हूं कि 25 साल से पुराना सपना 2000 जब लोग विधानसभा के चुनाव होंगे तब हम पूरा कर पाएंगे। इस भाव के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चूंकि वक्ता बहुत है, बातें भी बहुत है, हमने आप लोगों के साथ बहुत काम किया, उसके बाद बातें करने का रिजल्ट के बाद अवसर नहीं आया। ईमानदारी से क्या कोशिश होती है, क्षमताओं से ज्यादा, सामर्थ्य से ज्यादा सेवा करने की इच्छा क्या होती है, उस भाव से हमने आप लोगों की, कांग्रेस पार्टी की और गुजरात की सेवा करने की कोशिश की थी। चूंकि मेरे नेता आदरणीय राजू सातव जी यहां हैं, मैं समझता हूं कि उन कोशिशों को हम कहीं कहीं कमी रही होगी, हम में भी कुछ कमी होगी, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ गलती हुई हो उस काम करने में तो भी मैं सोचता हूं कि कहीं कहीं अनभिज्ञता में या भगवान को ही ऐसा मंजूर था तो हुई होगी, अन्यथा पूरी ईमानदारी से हमने कोशिश की, आपने कोशिश की और सबने कोशिश की। मैं मीडिया के साथी भी यहाँ है, उनका भी बहुत सहयोग पूरे उस दौरान मिला, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक नारा था, कांग्रेस आवे छे, ये 4.5 साल चलना चाहिए, वो खून जो आप में दौड़ रहा है कांग्रेस का, वो खून जो महात्मा गांधी के विचार का, वो खून जो दलित से लेके हमारे आदिवासी से लेके अल्पसंख्यक भाइयों की रक्षा करने का, और वो खून जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और विचार का हम सब में है, उसको खुलाते रहिए, दौड़ाते रहिए, हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। एक दिन हमारे विचार की विजय होगी, और उस विचार की जो दलित को मारता है,
अल्पसंख्यक को मारता है, गरीब को मारता है, उसकी हार होगी। इसी भाव के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।